वर्ष की मृत्यु हो गई है, जो लोग हरदोई और शाहजहांपुर के निवासी थे। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल नज़दीकी CHC भेजा गया और उसके पश्चात जिला अस्पताल गाजियाबाद रेफर किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए इनमें से 9 लोगों को GTV अस्पताल नई दिल्ली भेजा गया है। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है, घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई आज दिनांक। तो वहीं आपको बता दें, कैंटर को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा घटा कैसे और उसके बाद क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? देखिए, देर रात में एक बड़े कैंटर में टक्कर मारी है और कैंटर में कुछ लोग सवार थे, जो कि ईद के पर्व को मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। शाहजहांपुर, बरेली और तमाम इलाकों में जा रहे थे जहां पर उन्हें जाना था। ये कामकाजी मजदूर लोग हैं, हालांकि ये उस वक्त इनका जो कैंटर है वो रास्ते में रुका और इनको शायद शॉर्ट के लिए वहां पर रुकना था कि तभी बड़े ट्रक ने आकर पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर में 4 लोगों की शॉप पर मौत हुई है, वही शॉप में लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इनमें से 9 लोग हैं जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है, क्योंकि हालत इनकी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वैसे में ये एक बड़ा हादसा माना जा रहा है और इन सभी को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनसे 9 लोग हैं दिल्ली में दिल्ली के GTU अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि पहले 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक ही गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 4 हुआ है और घायलों की अगर बात की जाए तो घायल 24 मारे जा रहे हैं। जी, ऐसे में आप बता रहे हैं कि 24 लोग अभी भी घायल हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये जो 24 लोग घायल हैं, इनके सर में, पैरों में, हाथों में चोट लगी है और इनका उपचार चल रहा है। फिलहाल इनकी स्थिति सामान्य तो नहीं माना जा सकता, लेकिन गंभीर अवस्था जो थी उन लोगों को, 9 लोगों को दिल्ली के GTU अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी जो है उनकी गंभीर अवस्था नहीं है, लेकिन सामान्य हालत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सुप्ति सुरम सभी का उपचार चल रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, ईश्वर से यही कामना है, लेकिन हादसा काफी भयावह था, जो कि बड़े ट्रक में कैंटर में टक्कर मारी और चौरान 3 लोगों की मौत हुई, एक को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था जहां पर उसकी मौत हुई है, और मौत का आंकड़ा ना बढ़े यही सब कामना कर रहे हैं। लेकिन 24 लोग जख्मी हैं सूर्य हाल जो घटनाक्रम में, और ये जो 4 लोग जितेंद्र, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अब आगे? देखिए, पुलिस के यातायात के अधिकारी लगातार ये कहते हैं कि अगर पेरिफेरल है या फिर एक्सप्रेस वे है या फिर जो तमाम जो रोड है वहां पर कैंटर ट्रक या कोई भी वाहन रोके नहीं, जिससे कि हादसा ना हो। अब ऐसे में रात के समय ये कैंटर जा रहा था जिसमें काफी लोग सवार थे, जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना था, अपने घर जाना था ईद के त्यौहार मनाने के लिए, और ऐसे में पेरिफेरल रोड पर इस कैंटर का रुक जाना और पीछे से आकर ट्रक ने टक्कर मार देना कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। हालांकि यातायात विभाग ने पहले ही कहा हुआ है कि पेरिफेरल रोड पर, एक्सप्रेस वे पर, GT रोड पर वाहन कोई भी ना खड़ा हो और इस तरीके से ना खड़ा हो कि पीछे से वाहन आकर टक्कर मार दे, क्योंकि रात का काफी देर रात का समय था और दौरान हो सकता है ट्रक ड्राइवर को धक्की लग गई हो या वो इस हालत से हो कि उसे ना पता चला हो कि कैंटर खड़ा है, क्योंकि कैंटर का जो कलर है काफी डार्क था और ऐसे में जो टक्कर लगी है उससे ये सभी लोग जख्मी हुए, 4 लोगों की मौत हुई है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी और इसके पूरे मामले की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। तो आपको बता दें कि कैंटर और पीछे